नमस्कार दोस्तों, युग क्या है आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। युग कैसे चलते थे, इसको इसमें कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे इसमें आयु होती थी और आज कौन सा युग चल रहा है, इससे पहले कौन सा युग था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आपके सामने जल्द ही रखें। कॉमेंट कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। युग शब्द का अर्थ है होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि। आज हम चारों युगों का वर्णन करेंगे। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में एक किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह है। सतयुग, यह प्रथम युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। सतयुग का तात्पर्य पुष्कर है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्व अर्थात 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्व अर्थात 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य, कुंभ, वाराह, नरसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। अवतार होने के कारण शंखासुर का वध एवं वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार, हरण हरियाणकश दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध एवं प्रहण को सुख देने के लिए इस युग की मर्द्य रत्नमय है। इस युग के पात्र स्वर्ण के हैं। त्रेता युग, यह द्वितीय युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। त्रेता युग का तीर्थ निर्मिशरण है कि इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 विश्व अर्थात 70% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम, राम, राजा दशरथ के घर अवतार होने के कारण बलि का उद्धार, कर पालन, पताल भेजा, मदन श्री शस्त्रियों का संसार, रावण वध एवं देवों को बंधमुक्त करने के लिए इस युग की मुद्रा स्वर्ण है। इस युग के पात्र चांदी के हैं। द्वापर युग, यह त्रेता युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% है। इस युग के अवतार कृष्ण देवकी के गर्भ से एवं नंद के घर, पालन पोषण वध राजा के घर। अवतार होने के कारण कंसादि दुष्टों का संहार एवं गोपियों की भलाई दैत्य को मोहित करने के लिए इस युग की मुद्रा चांदी है। इस युग के पात्र तांबे के हैं। कलयुग, यह चतुर्थी युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। कलयुग की तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 5% अर्थात 25% होती है। इस युग के अवतार कालिकी, ब्राह्मण, विष्णु, यश के घर अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए इस युग की
मुद्रा लोहा है, इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। महागुरु कौरव विवेक।